guys, you're welcome on my YouTube channel. So guys, today I'm in Bilavar and I'm going to Patnitop, which is one of the best place in Jammu and Kashmir to visit in summer. And समर की बात तो छोड़ो, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो लोग सर्दियों के मौसम में भी वहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ से बिलावर सिटी से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो थोड़ा शॉर्टकट वाला रास्ता है। और हम जा रहे हैं बाया जम्मू होके एंड उधमपुर से होते हुए, तो रास्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के पास जा रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारा स्टेडियम भी है, तो स्टेडियम भी देखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ से मैं जा रहा हूँ मास्टर जी की कार में, तो मेरे को कोई किराया वगैरह नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ मैं वहाँ पे भी रहने वाला हूँ उनके साथ ही, तो मेरे को तो बिल्कुल फ्री है एकदम से। और वहाँ पे जो मैं सिर्फ अपना खर्चा करने वाला हूँ वही, और बाकी तो मेरे लिए तो नज़ारे हैं। और लेकिन हाँ, मैं वहाँ पे जो प्राइसेस या चार्जेस वहाँ पे लगते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पत्नीटॉप को, लेट्स गो। सो ये है मेरे मास्टर की गाड़ी, तो इसमें जाने वाला हूँ मैं, तो आइए चलते हैं। तो गाइस, अभी मैं जम्मू में पहुंचा हूं, तो यहाँ पे मैं M.A.stadium के पास हूं और यहाँ पे थोड़ा सा काम है ऑफिस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्पोर्ट्स का पूरा यहाँ पे ऑफिसेस वगैरह है। यहाँ पे रुकने वाले हैं थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद दोबारा से हम पत्नीटॉप के लिए रवाना होने वाले हैं। तो आई थिंक उसके बाद वो टाइम लेकर नियर अबाउट 2.5 hours आई थिंक। और यहाँ पर आगे देख सकते हो, यहाँ पर M.A.stadium है, काफ़ी अच्छा स्टेडियम है। ये आप देख सकते हो यहाँ से, ये M.A.stadium अंदर से है। अच्छी तरह से व्यू मैं ले नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी गेट बंद है और अंदर के लिए एंट्री नहीं है। कुछ कोरोना के कुछ पेशेंट्स को यहाँ पे रखा हुआ है अंदर। So guys, this is the hostel where we are staying. The name of the hostel you can see there. It's Government of Jammu and Kashmir, Department of Youth Services and Sports, Youth Hostel, Patnitop. And यहाँ पे हम रुक रहे हैं। और so guys, it's my first day in Patnitop and I just wake up. सो गाइज़, अभी मैं प्रेजेंट हूँ बटौरा पार्क पत्नीटॉप में और काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो आइए देखते हैं इस पार्क को अंदर से। सो गाइज़, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पार्क है और यहाँ पे ये TDC के TDC बोला जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ये हट्स हैं, हट्स कहा जाता है यहाँ पे नाइट स्टे के लिए ये। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये बच्चों के खेलने के लिए कुछ जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। कुछ प्राइवेट होटल्स भी हैं। इन होटल्स के अंदर जाके मैं थोड़ा रेंट वगैरह के बारे में भी जानकारी दूंगा और आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं अभी प्रेजेंट हूँ यहाँ पे पटनीटॉप में। हट्स हैं यहाँ पे TDC के, और यहीं पे हमारे साथ सर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे और बताएंगे यहाँ पे कितना हमें रेंट देना पड़ता है पर नाइट का के हिसाब से। सो सर, हमारे व्यूअर्स को हेलो हाई बोल दीजिएगा। सो सर, आप बता सकते हैं हमें कि हमें वन नाइट के कितने चार्जेस भरने पड़ते हैं यहाँ पे रुकने के? BHK 5,000 का है, और 3 BHK 10,000 का है। अभी 30% जो है डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट आई थिंक ये जो कोरोना वगैरह का नहीं, उसके ऐसे भी नॉर्मली हमारा जो है ऑफ सीजन जो है डिस्काउंट ये टिल 31 मार्च तक है। ओके, 31 मार्च तक, मतलब कि जो आपने प्राइसेस बताए उससे 30% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो सर यहाँ पे जैसे कि आप हम रुकते हैं तो खाने पीने का इसमें क्या है? सेल्फ कुकिंग है। सेल्फ कुकिंग, ओके। गैस देते हैं, बर्तन वगैरह लेकिन बनाने का सामान अपना होना चाहिए। थैंक यू सर। और उसके साथ साथ सर आप ये बता सकते हो कि एक कमरे में, मतलब एक रूम है तो वहाँ पे कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं? मतलब फैमिली रूम सर? और रात को देखने के लिए टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं है ना फैंस की, ना एसी की, कुछ नहीं। थैंक यू अंकल। और रेट लिस्ट यहाँ पे भी है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, ये होटल जयश्री एंड रेस्टोरेंट है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ पे आप नाइट स्टे जो हो यहाँ पे कर सकते हो। अभी ऑलमोस्ट बंद ही है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना। एंड यहाँ पे रहने के लिए कुछ चार्जेस, कितने चार्जेस लगते हैं उसके लिए मेरे पास एक रेट लिस्ट है, वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं।